जी हम रात के घूम रहे, और तुम देखो कितनी इतनी धुआं फेंक रही थी जैसे रेल को इंजन बर गौ हो, जो हालत देखो तुम ऑटो की इतनी वीआईपी है जैसे शोरूम से निकली हो। सालासर मंदिर से बस स्टैंड तक हमें रात को चाय पिलाने लेवा गए ऑटो पर, लेकिन ऑटो भी इतनी गजब की हमाओ वजन ना सह पाई, बीच में इनकी ऑटो धुआं दे गई। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज हरियाणा में एक ऑटो पे बैठे, और जब ऑटो हती पुरानी सो ई ऑटो से कड़ रहा तो धुआं, और ई के बाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज ने गरीब ऑटो चालक को उपहार में दे दी नई ऑटो। आप भी देखो जो पूरा घटनाक्रम चीखो मंच पे बताओगो। कल जो है 12 बजे सुबह से 12 बजे रात तक यहां के पागल बैठे रहे, कोई 10 बजे आ गया, कोई 11 बजे आ गया, भैया पूरी दिन भर 12 घंटे तक दिन में दरबार लगा, रात को कथा सुनकर के लोग 12 बजे गए। अच्छा तुम लोग 12 बजे जाओ और हम सो जाएं, ऐसा हुआ है? हम तुम लोगों की विदा करके फिर रात को सिरसा घूमें, और कल हमने रात को ही सुबह 4 बजे सालासर मंदिर पे जाकर के धोख लगाई, सरसाई बाबा की भूमि में गए, वहां पर वो उनकी गड़ी महल और उनके मंदिर को देखकर वहां पर भी हमने मत्था टेका। और रुको तो कल रात को हमने कई साल बाद ऑटो पर यात्रा की, हाँ यही सालासर बालाजी के सामने आज शायद ये आ गए, आओ इधर आओ, इनकी ऑटो थी वो, भैया उनके पास वीडियो होगा, ऑटो वाला वीडियो है क्या दिखाओ, इनकी ऑटो है, क्या नाम है, इधर आओ, जिलेर सिंह, ये यहीं सिरसा के हैं, हम सालासर मंदिर में बैठे थे ये आ गए, हमने कहा क्या करते हो, बोले गुरुजी चाय ले आए तुम्हें, हमने कहा ले आओ भैया, तो ये जो है आ गए, हमने कहा क्या करते, बोले गुरुजी ऑटो चलाते हैं, हमने कहा भैया हमने हवाई जहाज पे तो बहुत घूम लिया, ऑटो पे नहीं बैठे यार। इन्होंने हमको सालासर मंदिर से बस स्टैंड तक हमें रात को चाय पिलाने लेवा गए ऑटो पर, लेकिन ऑटो भी इतनी गजब की हमाओ वजन ना सह पाई, बीच में इनकी ऑटो धुआं दे गई। हमने कहा ऑटो धुआं क्यों फेंक रही, बोले गुरुजी इसका इंजन खराब है, इंजन नहीं बदल पा रहा। हमने कहा क्यों, बोले पैसा नहीं है, रात को चला पाते हैं, दिन में तो ई रिक्शा चलते हैं, ऑटो वालों को कोई पूछता नहीं है। तो तुरंत हमने जो है रात को ही गोविंद जी को कहा कि सुबह होते ही कथा बाद में होगी, पहले इनकी नई ऑटो आएगी। और ये जो टीवी पे देख रहे हैं, हमने ऑटो हमारे गोविंद जी ने मंगाई है, इनकी ऑटो पुरानी हो गई थी, अब ये नई ऑटो पर चलेंगे। चाबी है क्या, चाबी ले आओ, कैसे हो, जरा माइक दो, जा तुम्हें हम ऑटो सौंप रहे, तुम्हारी पुरानी पे बैठे थे, हमने नई तुम्हें दे दी, अब हम आओ तुम किराया ना लइयो, वैसे तुम रात के किराया भी ले चुके हमसे। क्या नाम है तुम्हारा बताओ, उधर देखो, जीरे सिंह है जी। अच्छा ऑटो तुम्हारी ऑटो धुआं क्यों फेंक रही थी, वो उसका जी किट खराब हुआ रहा है। हैं किट किट क्या किट, खराब है इंजन, इंजन इंजन जी इंजन, हाँ इंजन में तुम इंजन बना नहीं सका था, 5,000 का मामला था सर। हैं 5,000 का, 5,000 का मामला था, अब तुम्हें इंजन ही नहीं बनवाना, हमने गाड़ी बदलवा दी, जय बजरंग बली की, तुम खुश हो, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ भैया, बहुत प्यारे हैं, इन्होंने हमें रात को चाय पिवाई ऑटो पर। ये है वो ऑटो, टीवी पे देखो जहाँ इनकी ऑटो है, जी हम रात के घूम रहे, अब तुम देखो कितनी इतनी धुआं फेंक रही थी जैसे रेल को इंजन बर गौ हो, जा रही,
जाग गई, जे गए गुरुजी चील गाड़ी पे। जब हालत देखो तुम ऑटो की, इतनी वीआईपी है जैसे शोरूम से निकली हो। 4574-5492 है जाइए। लेकिन अब हमारे जले सिंह जी नई ऑटो पर यहां पर घूमेंगे। ये बात हमने प्रचार के लिए नहीं बताई है कि प्रचार करना है, नहीं, ये बात हमने विचार के लिए बताई है। विचार का मतलब, भैया तुम्हारे आसपास कोई ऐसा दिखे जिसकी बहुत मजबूरी हो गए। जब हमने ऑटो की हालत देखी, हमने सोचा हम चील गाड़ियों पे जाते हैं, 40-50 हजार की तो टिकट लग जाती है। भाड़ में गया, हम 2-3 यात्रा ट्रेन से चाय कर लेंगे, पर इनकी रोजी रोटी जिंदगी भर बढ़िया चलती रहेगी। इसका मतलब ये नहीं, इसमें हमारा धन्यवाद नहीं है। दक्षिणा तो गोविंद जी ने और गोपाल जी ने दी, बल्कि हमने इनसे कह दिया था कि तो हमारी दक्षिणा में काट लियो, लेकिन इन्होंने ही दी है। बहुत सज्जन है, हमारी आज्ञा मान के तुरंत इन्होंने, एक बार ताली बजाकर इनको धन्यवाद दो। और ये हमने प्रचार के लिए नहीं किया कि हमने दुनिया न्यूज में आने के लिए ये काम किया हो, नहीं नहीं भैया, ये काम हमने इसलिए किया कि हम ऐसा करेंगे तो हमारे मानने वाले भी दूसरों की मदद करेंगे और दीनहीनों का भला होगा। अब कैसा लग रहा, नई ऑटो देखी तुमने, कैसा लग रहा? अब अगली बार हमसे पैसा ना लगियो, तुम बागेश्वर धाम आओगे? आऊंगा सर, आऊंगा जरूर, मत्था टेक के आऊंगा जी, जरूर। पक्का? पक्का जी, पक्का। अच्छा जी, जय हो तुम्हारी। बालक कितने में पड़ता है तुम्हारा? छठी में पड़ता है। 6 में पड़ता है आज, 11। अब पुरानी ऑटो का क्या करोगे? पुरानी ऑटो जैसे आप कहोगे वैसे कर लेंगे जी। हम क्या करेंगे, हम बागेश्वर धाम ले जाएं? यहाँ खड़ा कर देते हैं जी। बानी जाने या सिरसा में बाहर, 10 किलोमीटर चलते हुए वो धुआं फेंक दे। एक काम करो भाई, यहीं रखी रहने दो, तुम तो नई चलाओ, डुक डुकाओ, ठीक? अच्छा हाँ सुनो, एक वचन दो, पूछो क्या। दीनहीन कोई दिखे उससे किराया मत लेना, ठीक? पहले भी ऐसा ही भाव था मेरा, पक्का। और कोई रात को बहन बेटी ऑटो पर आवे तो उन्हें सुरक्षित घर तक छोड़ देना। इतना कर दोगे? पक्का, हमें वचन दो, हाथ में धर के वचन दो। बाबा जी पैर के हाथ में आके, हाथ तो नहीं बाकी। पक्का? थैंक यू वेरी मच। एकलव्य यूनिवर्सिटी दमोह विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। 28 एकर्स ऑफ लस ग्रीन कैंपस, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, 50 फ्यूचर रेडी कोर्सेज थॉट इन 12 डिफरेंट स्कूल्स, सेपरेट कोर्स एंड ग्राउंड फॉर स्पोर्ट, फुली इक्विप्ड लैब एंड वर्कशॉप, सेफ एंड फुली इक्विप्ड सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स।